हाउ टू वॉच ड्रैगन बॉल इन ऑर्डर, ड्रैगन बॉल जी, ड्रैगन बॉल सुपर, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो उसे कैसे आप लोग ऑर्डर में वॉच कर सकते हैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मूवी है या सीरीज बोल सकते हो, जो कि मेन आई थी ड्रैगन बॉल की, जिसमें गोकू अपने ग्रैंडपा के साथ में रहता है एंड वहां पर वेजिटा आता है, उसके साथ में फाइट होती है, फिर फ्रीजा आता है, फ्रीजा के साथ में फाइट होती है, फिर माजिम्बू आता है, माजिम्बू के साथ में फाइट होती है। ये सब कुछ कवर करेंगे हम लोग एक के बाद एक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1986 से लेके 1996 तक। इसमें काफी सारी मूवीज और सीरीज इन लोगों ने निकाली है, वो आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले इन लोगों ने ड्रैगन बॉल फिल्म्स निकाली 1996 में और 1988 के बीच में। कर्स ऑफ द ब्लू रूबीज करके एक मूवी है, वो इनने निकाली। उसके बाद में स्लीपिंग प्रिंसेस डेविल कास्टर, ये एक मूवी निकाली। उसके बाद में मिस्टिकल एडवेंचर 1988 में मूवी निकाली, जिसमें टूर्नामेंट होता है, सागा चलती है, उसके अंदर काफी सारी चीजें दिखाई गई है, वो आप देख सकते हो। और ये कहाँ पे देख सकते हो, ये प्लेटफॉर्म तो मैं कंफर्म होके नहीं बता सकता आपको, ये थोड़ा सा गूगल से पूछना पड़ेगा, गूगल बताएगा आपको कहाँ पे आपको ये देखने को मिल सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे या कौन से वेबसाइट पे, ठीक है, आपको वो खुद पता करना पड़ेगा। ड्रैगन बॉल जी की फिल्म आई थी 1989 में और 1995 में। इसके बीच में और भी कई सारी मूवीज निकली है जो आप कवर कर सकते हो। डेड जोन नाम से एक मूवी आई थी, जिसको आप वॉच कर सकते हो, गूगल पे आप जाके सर्च करना, जिसमें ड्रैगन बॉल जी डेड जोन करके आपको 1999 में एक मूवी आई थी, उसमें आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद में अगली जो मूवी है द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, 1990 की मूवी है, जिसे आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद में अगली जो मूवी आई थी द ट्री ऑफ माइट, 1990 में एक मूवी आई थी, टर्टल ट्री ऑफ माइट, ये इस मूवी को आप लोग देख सकते हो, जिसके अंदर में काफी सारी स्टोरी दिखाई गई, आप लोग जरूर से वॉच कर लेना। उसके बाद में लॉल्ट स्लप 1991 में, नेमिकन और लॉल्ट स्लग में वहां पे काफी सारी फाइट वगैरह दिखाई गई उस पिक्चर में, मूवी में, तो वो आप जाके देख लेना, मैं आपको कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाला मूवी से रिलेटेड। उसके बाद में अगली जो मूवी आई थी कूलर्स रिवेंज 1991 में, ये वाली एक मूवी आई थी, जिसके अंदर कूलर जो है वो अपने आर्मी को लेके आता है अर्थ पे गोकू से बदला लेने के लिए वगैरह वगैरह, यहाँ पर उसमें अंदर दिखाया गया है, तो आप लोग वो जाके मूवी देख सकते हो। उसके बाद में द रिटर्न ऑफ कूलर, जिसके अंदर रिटर्न आता है और वही सब बदला लेने वाली चीजें, 1992 में ये मूवी आई थी, इसको आप वॉच कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मूवी कहाँ से देखने को मिलेगी वो आप पता चल जाएगा, हिंदी डब में आपको मिल जाएगा। सुपर एंड्रॉयड 13, अब यहाँ पे शुरू होता है एंड्रॉयड वाली सीरीज मूवीज, तो इसके अंदर में एंड्रॉयड को किसने बनाया, क्या बनाया, उसके बारे में दिखाया हुआ है। और ये जो सीरीज है 1992 में डाली गई थी, जिसको आप हिंदी डब में देख सकते हो, मे भी शायद मिल जाए, या इंग्लिश सबटाइटल से भी काम चलाना पड़ सकता है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा सुपर। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट मूवी ब्रोली द लेजेंडरी सुपर सैयन, 1993 की सबसे पुरानी मूवी है, जिसको ड्रैगन बॉल जी में कैनन नहीं माना जाता, अनकैनन माना जाता है, कैनन के तौर पे नहीं लिया जाता, इस मूवी को 1993 में दिखाया गया था। तो अभी देखते हैं इसको और कैसे इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। आगे कुछ नेक्स्ट मूवीज है वो मैं बता दो, बोजैक अनबाउंड, ये मूवी आई थी 1993 में, इसी भी आप वॉच करके सकते हो, सर्च करके वॉच कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो मूवी है ब्रोली सेकंड कमिंग, ये जो मूवी है ये मैंने भी देखा है, और पर्सनली बताऊं तो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बट आप एक बार देख लो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद में नेक्स्ट मूवी बायो ब्रोली 1994 में, ये एक मूवी आई थी, जिसके अंदर में अ क्लोन ऑफ अ ब्रोली का एक क्लोन दिखाया जाता है, वो उसके साथ में कैसे फाइट करते हैं, वहां पर में गोकू होता है नहीं होता है, वो आप देख लेना, मजेदार है, देख लेना। फ्यूजन रिवॉर्ड, जिसके अंदर में फ्यूजन किया जाता है, ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इसमें सस्पेंस बढ़ा पड़ा है, तो ये वाली मूवी अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखना, फ्यूजन रिबॉर्न 1995 की ये मूवी है। इसके एनिमेशन थोड़े बेटर है, समय के साथ में और बेटर एनिमेशन लोगों ने किए हुए हैं, ये बेटर मूवी है, मैंने देखा है, अच्छी है, देखना। उसके बाद में अगली जो मूवी है ब्राथ ऑफ ड्रैगन, 1995 में ये मूवी आई थी, इसके अंदर में काफी सारी चीजें दिखाई गई है, वो आप देख लेना। उसके बाद में जो नेक्स्ट मूवी है 10th एनिवर्सरी, जिसमें 1996 में इसको 10th एनिवर्सरी हो गया था ड्रैगन बॉल के पूरे सीरीज मंगा को, तो वहां पर में इनने 10th एनिवर्सरी में कुछ मूवीज रिलीज की थी,
इसके नाम बता दो, ध्यान से सुनो। द पाथ ऑफ पावर, ये एक सेक्शन था जिसके अंदर में इन लोगों ने काफी सारी आर्क और सीरीज निकाली। इनकी सबसे जो टॉप 5 बेस्ट मूवी है उसका मैं नाम ले लेता हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनो और इसको गूगल पे जाके आप वॉच कर सकते हो। इसकी हिंदी डबिंग भी आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी काफी सारे लोगों ने हिंदी डब किया हुआ है और एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो भी वॉच कर सकते हो। ड्रैगन बॉल जी फ्यूजन रिबॉर्न, ये एक मूवी है, इसको आप सर्च कर लेना। ड्रैगन बॉल जी बैटल ऑफ वर्ल्ड्स, ये भी काफी अच्छी मूवी है ड्रैगन बॉल जी की, इसको आप देख लेना। उसके बाद में अभी हाल ही में लेटेस्ट मूवी आई थी, मेरे ख्याल से 2019 में 2018 में आई थी, ड्रैगन बॉल जी ब्रोली द लेजेंडरी सुपर सैयन, ये भी काफी अच्छी मूवी है, इसको भी देख लेना। ड्रैगन बॉल जी रिजरक्शन एफ, ये थोड़ी डिफरेंट मूवी है, इसको आप सर्च कर सकते हो, ड्रैगन बॉल जी रिजरक्शन एफ। ठीक है, तो कुछ ड्रैगन बॉल जी की, ड्रैगन बॉल सुपर की कुछ लास्ट की मूवीज रह गई है तो उसको मैं कवर कर देता हूँ। तो ड्रैगन बॉल मिस्टिकल एडवेंचर, यहाँ पर ये वाली मूवी मैंने कवर कर दिया था। यहाँ पर मैं नेक्स्ट वाली जो मूवी थी वो यहाँ पर मैं कुछ मिस हो गई थी बीच में, तो मैं बता देता हूँ। जहाँ पर कूलर रिटर्न करता है वो वाले चीज में मैंने कवर कर दिया था। उसके बाद में ड्रैगन बॉल जी सुपर एंड्रॉयड 13, यहाँ पर एंड्रॉयड आते हैं उसके वाले यहाँ पर फाइट। उसके बाद में द लेजेंडरी सुपर सैयन ब्रोली, इसका वाला ये वाले भी मैंने कवर कर दिया था। उसके बाद में और ये वाली मूवीज मैंने कवर कर दी थी, फ्यूजन रिबॉर्न ये भी मैंने मूवी कवर कर दिया था, एंड व्रात ऑफ द ड्रैगन ये भी मैंने मूवी कवर कर दिया था, प्लस नीचे में ड्रैगन बॉल जी बैटल ऑफ द गॉड्स, ये लेटेस्ट है, 2013 में आया था, एंड इसको तुम लोग वॉच कर सकते हो। ठीक है, हिंदी डब में मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, कार्टून नेटवर्क पे मिल जाएगा, और बाकी के कुछ है जुगाड़ लगा सकते हो, वहां पे आपको जुगाड़ में मिल जाएगा। उसके बाद में ड्रैगन बॉल जी रिजरक्शन एफ, वहां पर आप लोग को ये वाली मूवी देखने को मिल जाएगी, 1 घंटा 33 मिनट की है, 2015 में आई थी, इस मूवी को आप लोग वॉच कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो मूवी है ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली, ये मूवी 2018 में आई थी, इसके अंदर ब्रोली और गोकू वेजेटा इन सबके आपस में फाइट होती रहती है। यहाँ पर गोहन को नहीं लाया गया, लाना चाहिए था, मजा आया था। तो ये वाला मूवी नहीं देखा तो जाके देख लो, हिंदी डब में मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी इसकी डबिंग और एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, देखो एक बार मजा आएगा। उसके बाद में हाल ही में लेटेस्ट में आई हुई है, 2022 में मूवी आई है, ड्रैगन बॉल सुपर 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 हीरो, एक्चुअली इसका नाम ऐसा ही है, तो सुपर सुपर हीरो करके मूवी का नाम है। इस मूवी को आप लोग वॉच कर सकते हो, ये भी हिंदी डब में अवेलेबल है, और इसको भी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मूवी एक्सप्लेनेशन या स्टोरी एक्सप्लेनेशन करके, आपको काफी सारे यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे जिन्होंने स्टोरी को एक्सप्लेन किया हुआ है हिंदी में, तो आप लोग को अगर एक्सप्लेनेशन सुनना है एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो। आपको फुल मूवी हिंदी डब में वॉच करनी है, आप लोग को थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, गूगल बाबा से पूछ लेना, गूगल बाबा आपको बताएगा कहाँ से आपको मूवी हिंदी डब में आप फुल मूवी कैसे देख सकते हो, तो वो आपको गूगल बताएगा। ठीक है, तो यहाँ तक था, ये सारी मूवीज लेटेस्ट अपडेट मैंने पूरा कवर कर दिया है, इसमें से मैंने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, सारे मूवीज को मैंने कवर किया हुआ है। कुछ अगर मूवीज रह गई है, कोई सीरीज रह गई है, या कोई अनकैनन चीज रह गई है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको अगले सेक्शन में कवर करूंगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर देना, धन्यवाद।